अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 51। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज ब्लेंड कर्व कमांड, पर्पज ऑफ ब्लेंड कर्व कमांड और हाउ टू यूज पाथ एरे। आज के इस लेसन में हम एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमने से पहले प्रीवियस लेसन में भी हमने कुछ एरे के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे पे डिस्कस किया था। तो आज के इस लेसन में हम पाथ एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि ऑटोकैड 2015 में एक एडवांस टूल आया है पाथ एरे का। और इसके अलावा ब्लेंड कर्व हो गया, ब्लेंड कर्व जो है ये भी एक एडवांस टूल है जो कि ऑटोकैड 2007 में नहीं था, लेकिन ऑटोकैड 2015 में ये टूल है। तो इनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, ये होते क्या, इनका फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने ऑटोकैड को ओपन किया और स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी हमने जितना भी काम किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे काम जितनी भी कमांड्स हैं आपको सारी आ गई होंगी और आपने अच्छी तरह से उन पर प्रैक्टिस की होगी। जब हम नेक्स्ट 3D में काम करेंगे या फिर 2D में जब हम कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो तब आपको आसानी होगी अगर आपने ये सारी कमांड इजीली की होगी। तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, इन ग्रिड्स को ख़त्म करने के लिए F7 प्रेस करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से जो आज की कमांड से वो ब्लेंड कर्व है और उसके अलावा पर्पज़ ऑफ ब्लेंड कर्व कमांड है और हाउ टू यूज पाथ एरे कमांड भी है। तो कर्व के लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल पॉली लाइन लेता हूँ या फिर मैं कोई भी कर्व के लिए मैं यहाँ से स्पेल लाइन लेता हूँ, क्योंकि हमने कर्व बनानी है तो मैं यहाँ पे स्पेल लाइन ही लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको कर्व बनाता हूँ। ओके, ये कर्व एक बन गया फॉर एग्जाम्पल। अब इसी कर्व को मैं फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट लेता हूँ या फिर मैं एक और कर्व बनाता हूँ नीचे, तो वो भी मैं यहाँ से स्पेल लाइन लेता हूँ टूल और यहाँ से मैं कर्व बनाता हूँ। ओके, अब जो हमारे पास जो कमांड है नई वो आपको मॉडिफाई में नज़र आ रही होगी। मॉडिफाई में आपके पास यहाँ पे आपके पास कमांड है ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व जो कमांड है, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे फिलेट और चैम्फर कमांड दोनों की थी, ब्लेंड कर्व कमांड हमारी रह गई थी। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ ब्लेंड कर्व पे और इसके जो शॉर्ट कमांड है वो मैं देखता हूँ क्या है। ब्लेंड कमांड है यहाँ पे, अब देखते हैं ब्लेंड कर्व और ब्लेंड का एक ही फंक्शन है कि नहीं। ब्लेंड कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, ओके, ब्लेंड और ब्लेंड कर्व एक ही कमांड है और ब्लेंड के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट कमांड जो उसकी BLE आप देते हैं तो आपके पास एक ब्लेंड कमांड एक्टिव हो जाती है। और यही ब्लेंड हमारे पास जो है, तो ब्लेंड कमांड आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी, ब्लेंड कर्व कमांड और ब्लेंड एक ही कमांड है। और इसको मैं ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा ये कमांड ये मेरे पास ब्लेंड हो गया। देखिए इसके कॉर्नर जो है आपस में ये कॉर्नर जुड़ जाएंगे, देखें देख सकते हैं। मैं इस साइड से भी इसको जोड़ना चाह रहा हूँ तो देखें दोनों साइडों से हमारे पास कॉर्नर जुड़ गए हैं। तो ये होती है हमारे पास ब्लेंड कर्व कमांड का फंक्शन। अब यही कमांड में अभी तो मैंने कमांड से के थ्रू की थी, अब मैं यहाँ से इस मेन्यू के थ्रू करता हूँ तो ब्लेंड कर्व पे क्लिक करता हूँ, देखें वही काम कर रही है ब्लेंड कर्व। तो ये थी जी ब्लेंड कर्व कमांड जो प्रीवियस लेसन में रह गई थी। और अब नेक्स्ट जो कमांड मैं करता हूँ वो नेक्स्ट कमांड है आपके पास यूसी आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लॉक करने के लिए, यूसी एंटर डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट एंड ओके। अब नेक्स्ट कमांड जो मेरी है वो पाथ एरे। तो पाथ एरे के लिए मैं एक पाथ देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आर्क एक ड्रॉ करता हूँ, मैंने आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे आर्क के साथ मैं ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करता हूँ जिसको मैंने एक पाथ देना है। तो पाथ देने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ,
ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ये देख सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने पाथ एरे की कमांड के थ्रू में से मूव करना चाह रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को जो है तो बाउंड्रीज की बना लें। बाउंड्री नहीं भी बनाते फिर भी आप इस सारे को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको यहाँ से आप बाउंड्री दे दें, या फिर हैच कमांड है, हैच के साथ ही बाउंड्री, और यहाँ पे भी आपको देखें रीजन कमांड भी नज़र आ रही होगी, और रीजन रिवीजन क्लाउड है। तो रीजन और बाउंड्री का मैंने आपको बताया था इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो मैं इसको रीजन कमांड अप्लाई कर देता हूँ बाउंड्री की जगह। तो रीजन के लिए मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये रीजन बन गया। मीन देखें, पहले हमारे पास जो पहले था, पहले देखें हर एक लाइन सेपरेट है। यहाँ पे देखें ये लाइन सेपरेट है, ये लाइन सेपरेट है, ये लाइन सेपरेट है। तो मैं इसको रीजन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं रीजन के लिए आर ई जी कमांड प्रेस करता हूँ, या आर ई जी या आर ई एंटर करता हूँ, आर ई जी एंटर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। ओके, अब राइट क्लिक करूंगा तो मेरी कमांड रीजन हो गई, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं पाथ देने के लिए, अब मैंने यहाँ पे पाथ एरे पे काम करना है, तो पाथ एरे के लिए यहाँ पे आप क्लिक करें, तो आपने रेक्टेंगुलर एरे और पॉलर एरे पे हमने डिस्कस किया था, तो आज पाथ एरे के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो पाथ एरे पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करता हूँ, पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक पाथ के ऊपर ड्रॉ हो गया, और देख सकते हैं पाथ के ऊपर चला गया। अब जो पाथ एरे है, पाथ एरे में बेस पॉइंट है, टेंजेंट, और ये सारे काम हमने किए हैं। टेंजेंट डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप इसे चेंज कर सकते हैं, और ये सारे काम हमने किए हुए एरे की कमांड के ऊपर डिस्कस किया था। तो मैं ये काम दोबारा ये कमांड अप्लाई नहीं करूँगा दोबारा, आई मीन ये आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्योंकि हमने एरे कमांड के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे पे हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से इस एरे पे डिस्कस कर लीजिएगा। सिर्फ आइटम जो बढ़ाने हैं तो आप यहाँ से आइटम बढ़ा सकते हैं, इसके आइटम जो बढ़ाने हैं, आइटम साइज़ कितना होना चाहिए, आइटम का टोटल आइटम कितने होने चाहिए, तो ये सारे काम हमने यहाँ से किए हैं। तो 8 आइटम है, मैं इसको 10 करता हूँ, देखिएगा आइटम 10 हो गया मेरे पास। बैक स्पेस 10 आइटम देता हूँ, नंबर ऑफ रोज बढ़ाते हैं, आइटम बढ़ाते हैं, यहाँ से आप जो भी काम करेंगे यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था एरे, हमारे पास पाथ एरे के ऊपर डिस्कस मैंने किया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और जो प्रॉपर्टी बार है एरे की, जो रेबन है, वो आप अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो आप ये जो रेबन है ये दोबारा आप एरे की कमांड पे दोबारा जाएं, प्रीवियस जो पॉलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे हमने काम किया था, तो वहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट मैंने समझाई भी, आप समझ जाएंगे वहाँ से। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।